जो हमारे हाथों में कई जगह छिल भी गए, काटे भी चुप चुप है। ये गुलाम भाई है, ये देख सकते हैं दोस्तों, आप रास्ते का मंजर देख सकते हैं। अभी हम दोस्तों गुलाम भाई संभल के ऊपर फाइनली हम यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम से दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की ज़ियारत कराने वाला हूँ जो कि काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। दोस्तों बताया जाता है ये पहाड़ी काफ़ी ख़तरनाक है, बिल्कुल नुकीली पहाड़ी है। नुकीली पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे अल्लाह के वली की मजार शरीफ है, जहाँ पर दोनों साइड में खाई मौजूद है, एक बार में एक ही जना वहाँ पर खड़ा रह सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरा हम नज़ारा भी दिखाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हो, पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं और आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी शहीदों की मजार शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों यहीं से अभी जो खतरनाक पहाड़ी है बिल्कुल अभी हम जाने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी मतलब एकदम खड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के नोक के ऊपर पीर बाबा की मजार शरीफ है। तो ये देख सकते हो ये पूरा जंगली इलाका है, पहले आप यहाँ पर ज़ियारत कर लीजिए। यहाँ भी शहीदों की मजार शरीफ है और यहीं से अभी हम ऊपर की ओर जाएंगे। और अभी आप देखिए दोस्तों एकदम खड़ी पहाड़ी आएगी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर जल्दी से कोई आ नहीं पाता। हम भी आपको सिर्फ अभी वीडियो के जरिए ही यहाँ पे दीदार कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी देख सकते हो आसपास में जंगल यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये देखिए किस प्रकार का ये पूरा नज़ारा, और यहाँ से अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। वो दोस्तों काफ़ी मतलब पहाड़ी की जो चोटी होती ना उसके ऊपर मजार शरीफ मौजूद है। तो आप ये देखिए वहाँ पर अभी हम जाएँगे और काफ़ी आगे और भी ख़तरनाक नज़ारे हमारे को देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पहाड़ी बताई जाती है और जो मजार शरीफ है वो नोक पे, और नोक पे मजार शरीफ पे आसपास दोनों साइड में खाई आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चट्टाने वगैरह नज़र आएगी जो काफ़ी बरसात के टाइम में फिसलन भरी होती है, और यहाँ पे पैंथर का मूवमेंट भी देखा गया था कुछ टाइम पहले। यहाँ पे एक पैंथर थी जो मादा पैंथर थी, लेकिन उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी किसी ना किसी कारण से, तो यहाँ पर उसका शव भी मिला था जो मादा पैंथर थी। और अभी आपको वहाँ पे मोर वगैरह नज़र आएंगे। अब हम यहाँ से भी चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमको रास्ता बना करके खुद ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, तो आपको रास्ता वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके का है। तो दोस्तों हर जगह मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, लेकिन मैं यहाँ के बारे में बोलूँगा अगर आप ताकत सैयद आते हो तो यहाँ मत आना, क्योंकि ये एकदम आउट एरिया में पहाड़ के ऊपर मौजूद है, जंगली इलाका है और यहाँ पर रास्ता वगैरह नहीं, आप भटक भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते और आगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप मतलब रास्ता तो आपको कहीं चारों तरफ नज़र नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने अकॉर्डिंग यहाँ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह पेड़ पौधे ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, यहाँ पर अलग से कोई रास्ता वगैरह बना हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। तो चलिए और भी चलते हैं, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों बस यही है जो पीर बाबा के मजार शरीफ है, जैसे कि मैंने बोला जो पहाड़ी की एकदम नोक होती है उसके ऊपर मौजूद है, और आज हम वहीं जाकर के फूल और चादर पेश कर। तो ये झाड़ी वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पीछे हमारे गुलाम भाई देख सकते हो किस तरीके से आ रहे हैं, ये पूरा ऐसे ही आपको पूरा पहाड़ का नज़ारा। गुलाम भाई भी अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं अभी आगे चलता हूँ क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसी तरीके से हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद है। दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक जगह मौजूद है, और यहाँ पर झाड़ियों में जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सूखी झाड़ियाँ हैं वो शेर वगैरह पैंथर वगैरह ऐसे जानवर होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन दोस्तों ये रास्ता पूरा बंद है। ये वाला रास्ता हो सकता है, ये गुलाम भाई ये देखो दोस्तों बहुत दिक्कत आ रही है। कोई डंडा वगैरह होता ना हमारे दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे अगर आप आओ तो मैं वैसे तो बोलूँगा नहीं कि आप आना, अगर लड़के लोग आते हो तो यहाँ पे ग्रुप के साथ में आना। दोस्तों ये देखो ये देखिए
अजुल भाई भी शूट कर रहे हैं, और ये हमारे गुलाम भाई है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से तो दोस्तों आप देखिए ये रास्ता ना बिल्कुल खड़ा है, अब यहाँ पे जाने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। तो भी हम दोस्तों यहाँ पे हमारे को जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उतरते टाइम में काफ़ी दिक्कतों का सामना हमारे को करना पड़ेगा। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता वो देखिए आप किस तरीके से हमारे गुलाम भाई हजूर भाई खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। गुलाम भाई को वहाँ पे देख सकते हो, दिक्कत आ रही है, तो अभी हजूर भाई गए हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि हेल्प के लिए। हो गया, आराम से आराम से। अब देखिए हजरुल भाई उनको लेकर के आएंगे आराम से, क्योंकि रास्ता नहीं है दोस्तों। ये पहाड़ी देखिए आप कितनी खतरनाक और एकदम खड़ी पहाड़ी, अगर हम यो सर ऊपर करके भी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से। दोस्तों रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एकदम खड़ी चढ़ा से और ऐसे ही आगे, और ये पीछे देख सकते हो आप, रास्ता वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ झाड़ियाँ आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कितना खतरनाक ये रास्ता, वो सामने आपको तकी नकी सरकार ताकत से दरगाह से आपको नज़र आएगी, और ये पूरा मंजर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये आप पहाड़ देख सकते हो कितना खतरनाक है, एकदम मतलब खड़ी चढ़ाई है ये चट्टान वगैरह। यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी, तो अभी हम मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सही नज़र आ रहा है, और पैर वगैरह काफ़ी सावधानी से रखने। आप ये पैर वगैरह देखते हो, यहाँ स्लिप होते हैं नीचे। अभी हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, ये चट्टान के बाद से, और ये देखिए ये एकदम खड़ी चट्टान है, यहाँ से बिल्कुल नीचे खाई है। तो अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इस साइड से ऊपर जाएंगे। दोस्तों अभी आप देखिए कितनी खतरनाक चट्टान के ऊपर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जाने का कहीं भी रास्ता नहीं है, यहाँ भी खाई है, आगे भी खाई है, और ये एकदम खड़ी चट्टान है। तो अभी हम रास्ता बिल्कुल नहीं है, तो ये चट्टाने पकड़ के अभी हमारे को जाना पड़ेगा। यहाँ पेड़ वगैरह, पेड़ यहाँ पर, यहाँ पे पूरी चट्टान है, इस साइड में पूरी खाई है, और ये एकदम खड़ी है, तो यहाँ से भी जाते हैं। रास्ता है, हम झाड़ियों को एक तरफ करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। आप यहां से मंदिर देख सकते हैं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इस रास्ते से आए हैं। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत यहां से पहाड़ियों का मंजर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये रास्ता काफी खड़ा है, और यहां पे हमारे को मतलब चढ़ने के लिए कोई सुविधा है नहीं है, तो हमने जो ये घास है इसको पकड़ के अभी हम ऊपर चल रहे हैं, जो हमारे हाथों में कई जगह छिल भी गए, कांटे भी चुभ चुके हैं, लेकिन दोस्तों इनको पकड़ के ही चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ एकदम खड़ी है और हमारी सांस भी फूल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अंधेरा हो उससे पहले अभी हमारे को हजरत की मजार शरीफ पर जाना है। चलो दोस्तों, अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हमारे को ऊपर जाना है, और चादर और फूल पेस करके नीचे भी उतरना है, और रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए किस तरीके से ये हमारी टीम के मेंबर है, दोस्तों हमारी टीम के मेंबर है, जब भी यहाँ पे आने की हिम्मत। मेरे पास बैग रखा हुआ है, मेरे बैग में पानी है, क्योंकि आपके इतने भारी पानी लेने की ऊपर तुम्हारी, क्योंकि बिल्कुल 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 देखिए अजुल भाई साथ में ले लिया है, वीडियो शूट करते हुए लगातार, और आप पैर देख सकते हो किस तरीके से
वगैरह, कांटे वगैरह, कांटे वगैरह। ये गुलाम भाई है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, रास्ते का मंजर इस तरह का, यहाँ का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर रास्ता तो है नहीं, ये रहे हमारे गुलाम भाई, बिल्कुल तरुण भाई आ रहे हैं, ऐसे ही चलना पड़ता है भाई, बता दे। वो ये देखिए ये गुलाम भाई, गुलाम भाई को सपोर्ट करिए मिस्टर गुलाम शेख के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है। चैनल सांस फूल चुकी है दोस्तों। गुलाम भाई ये देखिए, गुलाम भाई अगर आपको पानी वगैरह पीना हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तरुण भाई अगर आपको पानी वगैरह पीना हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बिल्कुल, पानी का जो बोतल है वो मेरे बैग में है और वो बैग मेरे पास में है दोस्तों। हम लगभग मजार शरीफ के आसपास पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए, और अभी गुलाम भाई और अर्जुल भाई आगे पहुँच गए। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ये खाई दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक जगह है, पहाड़ी की चोटी के ऊपर हजरत की मजार शरीफ है। ये देखिए आप किस तरीके का दोस्तों, ये अजमेर शरीफ के अंदर मौजूद है ये मजार शरीफ, जो तकीना की सरकार ताकसियत जो दरगाह है उसी के सामने वाली पहाड़ी पे। आप वहाँ से नीचे किसी से भी पूछ सकते हो, पहाड़ के ऊपर पीर बाबा की मजार शरीफ कोई भी बता देगा। तो चलिए और आगे चलते हैं दोस्त, अंधेरा होने को आ गया। और अभी हमारी टीम के मेंबर आगे पहुंच चुके हैं। आइए तरुण भाई। बिल्कुल तरुण भाई, पानी पीना है क्या? हाँ आइए आइए आइए, ये हमारे तरुण भाई आ गए हैं। ये अर्जुल भाई सामने, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है भाई आपको पहुंच के? बहुत ही खुशी हो रही है और मुझसे ज्यादा खुशी गुलाम भाई को हुई, क्योंकि गुलाम भाई बहुत तेजी से चल गए। आप यहाँ से मंजर देख सकते हैं अजमेर शरीफ का। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत मंजर, आगे पहाड़ी की चोटी पे मजार शरीफ है। ये देखिए सामने तारागढ़ पहाड़, पहाड़ की चोटी के ऊपर सामने तकीना की सरकार। तो चलिए ये अर्जुल भाई देखो जाते हुए, तो इस तरीके से ये वहाँ को जाना है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर यहाँ पर अर्जुल भाई चलते हुए। ये देखिए आप किस तरीके से, अभी हमारे को ऐसे ही। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड में खाई मौजूद है। काफ़ी प्यारा सीन दोस्तों, ये देखिए। आखिरकार दोस्तों सुबह निकले थे, शाम हो ही गई हमारे को, यहाँ पे आते आते गुलाम भाई संभल के। ये देखिए गुलाम भाई, देखिए गुलाम भाई को किस तरीके से, दोनों साइड में पहाड़ है, गुलाम भाई बीच में चोटी पे आपको नजर आएंगे, वो सामने उधर रूठी रानी का मेल, इधर गुलाम भाई तारागढ़ दरगाह और नीचे तकीना की सरकार दरगाह। ये देखिए तो चलिए दोस्तों और आगे चलते, और भी हमने हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का वीडियो बना करके हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप शायद हमारे चैनल पर वीडियो दोस्तों, यहाँ पे पैर वगैरह थोड़ा संभाल करके, क्योंकि यहाँ पे खाई मौजूद है। दोस्तों लगभग हम पहुँच चुके हैं, दोस्तों ये थोड़ा माइक का वायर वगैरह है जो बाहर आ गए थे। हमारे गुलाम भाई आ रहे हैं और तरुण भाई आगे की तरफ जा रहे हैं। सामने देख सकते हो दोस्तों,
पहाड़ी की चोटी के ऊपर यहाँ पे पीर बाबा की। ये पीर बाबा की मजा शरीफ। दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पहाड़ी की चोटी के ऊपर यहाँ पे अल्लाह के वली पीर बाबा की यहाँ पे मजा शरीफ। फूल रखा हुआ है, हमारे गुलाम भाई चादर और फूल बैग में से निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम फूल लेकर के आए हैं और हजरत के मजार मुबारक में चादर पेश करने के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों अभी हम देख सकते हो आप हजरत की मजार शरीफ के बिल्कुल पास में आ चुके हो। ये एकदम पहाड़ी के ऊपर ये मजार शरीफ मौजूद है और अभी हमने फूल और चादर हम नीचे से लेकर के आए थे। अभी हम यहाँ पे हजरत की मजार शरीफ है यहाँ पे पेश करेंगे, आप सभी के लिए दुआ करेंगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी यहाँ तक आने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना, फिर आपके पास जितने भी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप है अपने फैमिली मेंबर में इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है और हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। आप सभी को मालूम है कि हम जहाँ पे विश्वास रखे अकीदा रख के अगर कुछ भी मांगते तो हमारी मन्नत और मुराद जरूर पूरी होती। तो दोस्तों अब हम आप सभी के लिए यहाँ पे हम दुआ भी करने वाले। तो चलिए दोस्तों आपको बैक कैमरे से पूरा नज़ारा दिखाते हैं और भी। और दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों हमने आपको पीर बाबा की मजार शरीफ की ज़ियारत करा दी है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।